Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. लगाया था बड़ा बेतुका था और उस आरोप में एमएम खान के हत्या के शामिल होने में उस आरोप में ये कहा कि हमने कोई चिट्ठी लिखी थी। संवैधानिक पद पर रहते हुए चिट्ठियां लिखता है हर कोई, पर इस मामले में तो मैंने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, पर फिर भी उन्होंने आरोप लगाए। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता क्या होगी कि मैंने सीधे सीधे उनको कहा कि आप जनता में आ जाओ, सबूत दिखा दो, मैं त्याग कर दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कोर्ट तो आरोप कोर्ट तय करता है, पर देखिए कुदरत का करिश्मा, मेरे पहले वही आरोपी सिद्ध हो गए, एफआईआर उनके ऊपर हो गई कल, तो मेरी जीत तो वहीं पर हो गई। और चिट्ठी तो कहीं है नहीं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्लीन चिट दे दी। मैं आग्रह था और जो काम मेरा था, केजरीवाल से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं था। मैं तो आया था वहां पर, चैलेंज दिया था 4 बजे तक पहुंचे, आप नहीं पहुंचे तो मैं घर चला आया, कम से कम वहां नहीं पहुंचे तो यहां आ जाएंगे। तो जो सामने से चैलेंज करता है वो डर उसके अंदर नहीं होता, जो भागता है उसमें डर होता है, और आप देख ही रहे हैं। तो अंतिम शब्द में इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया बार बार, तो सबके आग्रह से चुनौती जो मैंने दी है उन्होंने स्वीकार नहीं की, हार तो उनकी है क्योंकि चुनौती मैं दे ही चुका था। 3 दिन तक इंतजार करते रहा, और वैसे भी मैं अखाड़ों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और हमारे इसमें कहा गया है कि 2 दिन अगर आप रुकते हो और अगर 2 दिन के बाद नहीं निकलते हो तो आप अतिथि नहीं रहते, फिर आपको निकाल दिया जाता है। तो मैं 3रा दिन है अब मेरे यहाँ, तो वहां पर एक कहावत चलती थी अखाड़ों में, कड़ी पकौड़ी। कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेसन की। 2 दिन हो चुके हैं, 3रा दिन आ चुका है, इंतजार कर लिया वो आए नहीं। आज उपवास समाप्त करने की बात आ रही है, माननीय के हाथों से उपवास समाप्त तो करूंगा, लेकिन पार्टी ने ये वचन दिया है कि हम गली गली बूथ बूथ तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक चुनौती और दे रहा हूं अभी खत्म करने के पहले। मैं कल तक का वक्त देता हूं, केजरीवाल अगर सच में मां का लाल है तो तेरी जगह तेरे लोग, ये मीडिया भी बुला लेना, और सबूत है तो पेश करना, वहां मैं आऊंगा अगर तुझे यहां आने में डर है तो। यहां पर अंत में मुझे जिन्होंने साथ दिया, ऐसे सभी संस्थाएं, हरी जी, सुमित्रा जी, बग्गा जी, और 360 गांव के प्रधान हमारे किशन चंद जी, और भी सभी स्थानीय लोग, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, आस पड़ोस के लोग जिनको तकलीफ हुई है, पुलिस, मीडिया, मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय जी को पहुंचना है, इसलिए अगर किसी का नाम नहीं ले पाया तो क्षमा चाहूंगा। भारत माता की जय। अब मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे माननीय गृहमंत्री राजनाथ जी से कि वो हमें आशीर्वाद दें और जो अनशन है उस अनशन को भी समाप्त कराने की घोषणा करेंगे। मैं महेश गिरी से आग्रह करूंगा कि वो अपना अनशन समाप्त करें। उन्होंने चुनौती दी बहस करने की, लेकिन कोई चुनौती स्वीकार करता है या नहीं करता है यह उसके साहस और विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना, मैं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसीलिए महेश गिरी से मैंने आग्रह किया, कल भी इनको मैंने कहा था कि आप अनशन समाप्त कर दें, लेकिन मैं बाहर चला गया था, आज आया हूं,
मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने अनशन समाप्त नहीं किया, इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस मुद्दे को लेकर महेश गिरी जैसा हमारा एक सांसद, एक कार्यकर्ता अपनी जिंदगी दांव पर लगाए, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं स्वयं आया हूं और उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना अनशन कृपया समाप्त करें। हम तुम्हारे साथ हैं।